बासी रोटियों का चूरा करके आपने कई बार नाश्ता किया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही अलग तरीके से ये नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों में हरी मिर्ची ली हैं, 2 बड़े प्याज मैंने चॉप्ड किए हैं, टमाटर लिया है, धनिया पत्ते लिए हैं और मैंने यहाँ पे करी पत्ता लिया है। और रात की 6-7 रोटियां बची थी उसका मैंने यहाँ पे हाथ से चूरा कर लिया है। ग्राइंडिंग जार में बिल्कुल भी इसको चूरा नहीं करना है। इस रेसिपी के एंड में, इस नाश्ते में, मैं एक ऐसी चीज़ मिलाऊंगी जिससे इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रोटी के चूरे में चीनी ऐड कर ली है। चीनी ऐड करने से जिसमें हल्का सा मिठास आ जाता है। बाद में मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, तेल को मैंने अच्छे से गर्म होने दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने सरसों के दाने और जीरा ऐड कर लिया था। बाद में मैंने यहाँ पे सबसे पहले हरी मिर्ची ऐड करी है क्योंकि हरी मिर्ची हल्की सी कुरकुरी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने करी पत्ता ऐड कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखे, इन दोनों को हमने कम से कम 10 से 15 सेकंड तक तेल में अच्छे से पकने देना है, जब तक इनमें हल्का सा करारापन ना आ जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर ली है। प्याज मैंने अच्छी क्वान्टिटी में ऐड करी है क्योंकि प्याज यहाँ पर बहुत अच्छा होता है इस नाश्ते में। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का हल्का सा कच्चापन इस प्याज में रहना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। हल्दी पाउडर को आप कोई भी रेसिपी हो या कोई भी खाना आप बना रहे हो तो तेल और प्याज के साथ ही हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐड करें। मिर्ची पाउडर मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा हरी मिर्ची ले ली थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर लिया था। टमाटर भी मैंने यहाँ पर अच्छी क्वान्टिटी में ही लिया है। अब टमाटर को हम अच्छे से यहाँ पर गलने देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ढककर भी टमाटर को पका सकते हो या ऐसे ही यहाँ पे 1-1.5 मिनट तक आप टमाटर को ऐसे छोड़ सकते हो। अब मेरा टमाटर अच्छे से गल गया है। बाद में मैंने यहाँ पे जो रोटी का चूरा बनाया था वो ऐड कर लिया है और रोटी को हमने बाकी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी जो रोटी का चूरा है उसमें मसाले अच्छे से लग जाएँ। और हमने इसको कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। बाद में मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी यहाँ पे ऐड कर लिया। हमने पानी छिड़कना है, ऐसे डालना नहीं है। इससे क्या होता है ना कि रोटियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और पानी ऐड करने से क्या होता है ना कि ये कढ़ाई पे नहीं चिपकती हैं। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बची हुई रोटियों का नाश्ता बनाइए तो देखना बच्चे सादी रोटी से बासी रोटियों का यही नाश्ता खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करछी की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको ढक देना है और ढककर हमने ज़्यादा नहीं 1/2 सेकंड तक इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। और मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं एक चीज़ ऐसी ऐड करूँगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा ना कि जो हमारा नाश्ता हल्का सा खट्टा मीठा बनेगा। नींबू का रस ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दें और फिर हमारा यहाँ पे नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। लास्ट में धनिया पत्ती ऐड कर लें, गैस बंद कर दें यहाँ पे और धनिया पत्ती को बाकी नाश्ते के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। इस नाश्ते को बनने में 3 से 4 मिनट लगता है और सुबह की भाग दौड़ में बच्चों का टिफ़िन तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप रात को रोटियां बचा के रखिए और सुबह ये नाश्ता झटपट बना के बच्चों के टिफ़िन के लिए आप दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।